हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी लोग कमेंट्स करेंगे? यस सर। ठीक है, तो कल हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या किए थे, एक बार बताओ। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना। लास्ट क्वेश्चन क्या था वो? 2019 गेट का था क्या लास्ट क्वेश्चन? यस सर, फाइनल रिप्लाई फास्ट। साइन एक्स बाय एक्स वाला। ठीक है, चलो यस। कंप्यूटर साइंस वालों को नहीं है डबल ट्रिपल, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है ना। देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन गेट का ही। यस यस, मैकेनिकल के लिए तो सब है मैकेनिकल वालों के लिए। क्वेश्चन लिखा है अपने पास, द फॉलोइंग प्लॉट शोज अ फंक्शन The following plot shows a function y which varies linearly with x. Full stop. The value of integral I is equal to 1 to 2 y dx is. Options are 1, option B 2.5, option C 4 और option D 5. और इसमें फिगर गिवन है आपको ये लाइक दिस, ये माइनस 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये गिवन है आपको 1, ये 2 और ये 3। आज का टॉपिक सीएस वालों के लिए नहीं है। ठीक है, आज का टॉपिक यहां पे सीएस वालों के लिए नहीं है। चलो एक क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग। आशीष ने आंसर दिया है 2.5। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो तो ये क्वेश्चन अपने पास सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पे 1 से लेके 2 वाई डी एक्स। ठीक है, ये अभी आपके पास ये जो लिखा हुआ है वाई, ये जो लिखा है अपने पास वाई, वो वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी लीनियरली, और ये आपको एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। किसके फॉर्म में? ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y is equal to mx plus c। ठीक, आपको c दिख रहा है कि इंटरसेप्ट इन y एक्सिस, ये कितना है 1 है,
ठीक है, और स्लोप कितना है? सर स्लोप निकालने के लिए हम लिखते हैं वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, पता होगा आपको, है ना। तो ये दो पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस वन कॉमा जीरो और ये है जीरो कॉमा वन। तो इसको पुट किया जाए यहाँ पे, तो किस आप इसको ले सकते हो x1 y1, है ना, किसी को भी ले सकते हो x2 और वे y2, ठीक। सो y2 माइनस y1, तो 1 माइनस जीरो डिवाइड बाई जीरो माइनस माइनस वन दैट बिकम्स वन, तो इसका स्लोप कितना हो गया, वन हो गया, है ना। अब ये तो होना ही था स्लोप वन, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होना ही था क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इंक्रीजिंग लाइन इंक्रीजिंग फॉर्म को शो कर रहा है और एक इंक्रीजिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कितना आ गया सर, ये आ गया x प्लस वन, ये अब ये यहाँ पे पुट कर दो आप, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया वन से टू एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है, ये पुट कर दिया हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स, दिस इज जीरो टू वन, नहीं सॉरी लिमिट है वन से टू, ठीक। तो इसमें पुट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा फोर डिवाइड बाय टू प्लस टू, ठीक है ये, फिर उसके बाद माइनस वन बाय टू प्लस वन, तो इसको सॉल्व किया हम लोग, तो ये हो गया फोर माइनस ये हो गया थ्री बाय टू, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं ठीक है, करेक्ट, ठीक। तो ये हो गया अपने पास 2.5, ठीक ये ओके सर 2.5 हो गया। क्या बोल रहे हैं C1 कैसे, ये C क्या होता है अपने पास, C होता है ना इंटरसेप्ट इन, C क्या होता है इंटरसेप्ट इन y एक्सिस, जानते हो ना इसको इंटरसेप्ट इन y एक्सिस, तो इंटरसेप्ट कहां पे कर रहा है y एक्सिस में, वन पे कर रहा है, तो ये हो गया मेरे पास वन, ठीक है। तो आज अपने को बहुत क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, उसके बाद अपन ग्रीन्स थ्योरम भी देखेंगे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, कंसिडर द शेडेड ट्रायंगुलर रीजन consider the triangular region P shown in figure what is P x y dx dy, इसमें फिगर आपको गिवन है, ये फिगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, दिस इज वन, है ना, ऑन दिस इज टू, ये जीरो हो गए, ठीक। इसके ऑप्शंस लिख रहे हैं यहाँ पे वन बाय सिक्स, ऑप्शन बी वन बाय सिक्सटीन, ऑप्शन सी टू बाय नाइन और ऑप्शन डी वन।
और ये है रीजन पी, ठीक। अरे क्या बात है आशीष, बेहतरीन, मजा आ गया। 1/6 गजब। चलो यार कोई कंपटीशन दो आशीष को यार, वही सॉल्व कर रहा है बस। कैसे कर रहे बाकी लोग? हाँ देखो सॉल्व करो, सबसे पहले आंसर आप लोग का आना चाहिए, बाकी और कंपटीशन दो उसको। So, ये मेरे पास क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है ये। अब यहां पे देखो आपके पास इस रीजन के लिए अपने को ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यार अपने को लिमिट तो पता नहीं है, तो लिमिट कहां से निकालते हैं? लिमिट निकालते हैं स्ट्रिप से, और स्ट्रिप यहां पे कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है अपने पास, एक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और दूसरा है वर्टिकल स्ट्रिप। तो आप क्या यूज करोगे? कुछ भी यूज कर लो सर, कुछ भी मतलब। चलो मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप आपको यूज करके बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिप यूज किया लिमिट तैयार करने के लिए। तो नीचे वाला जो पॉइंट है ये हो गया वाई की मिनिमम वैल्यू एक्स एक्सिस में जीरो, ऊपर वाला पॉइंट होगा वाई की मैक्सिमम वैल्यू। सर वाई की मैक्सिमम वैल्यू इसका जब मोमेंट होगा तो इसका ऊपर वाला जो पॉइंट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। किस पे? स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। सर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है अपने पास? सर ये होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो सर वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया मेरे पास 2, 0। इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 1। तो आपने ले लिया, किसी को भी ले लो, इसको मैंने लिया x1 by 1 और इसको आप ले लो x2 by 2। पुट करो यहाँ पे तो स्लोप अपने पास हो जाएगा 1 - 0 / 0 - 2। तो स्लोप की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2। एक नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप का आना तो कन्फर्म है ना, नेगेटिव स्लोप का आना कन्फर्म है। क्यों सर? क्योंकि डिक्रीजिंग लाइन है ये, डिक्रीजिंग लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। उसके बाद आप देखे कि सर सी की वैल्यू इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस कितना है? सर 1 है। तो ये हो गया मेरे पास, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अब मेरे पास आ गया वाई इज इक्वल टू 1 - x/2, ये आ गया, ठीक है। क्या बात है, 1/6, बहुत 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 बेहतरीन, ठीक है। तो आंसर दिया यहाँ पे कुछ लोगों ने, देखो c इज इक्वल टू 1। अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या लिखोगे? सर 1 - x/2, ठीक। अभी ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये इस पॉइंट तक या इस पूरे लाइन तक लेफ्ट मोस्ट आएगा जहां पे x की वैल्यू मिनिमम आपको दिखेगी 0, y एक्सिस में x की वैल्यू 0। उसके बाद ये रीजन पे ये हो गया राइट मोस्ट पॉइंट, रीजन का राइट मोस्ट पॉइंट आपको x की मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ये देगा आपको 2। तो बस यहाँ पे इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर दो। तो पहले आप y की लिमिट लिख रहे हो 0 - 1 - x/2, और ये हो गया x by dy dx। x की लिमिट कितनी है? सर 0 से 2 तक। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 0 से 2। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। नाउ 0 - 1 - x/2 ये लिमिट, और ये dx, ठीक।
तो सॉल्व कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू हो गया 1/2 बाहर, 0 to 2x, 1 - x/2 whole square dx। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, तो 0 से 2 ये x, यहाँ पे सर x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 + x² / 4 माइनस एक्स, ये dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, मैं आंसर लिख दूं डायरेक्टली, क्या बोलते हो, कर लेंगे सॉल्व। अरे बताओ जल्दी, कर लोगे ना सॉल्व इसको। मैं 1/6 आंसर लिख रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है ना। अभी तो अपने को समझने से मतलब है ना, आंसर आप ले आना, ठीक है। मेरे को नहीं आता सॉल्व करना, इसलिए नहीं बता रहा हूं। सब 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन देना गेट में, सब 2 मार्क्स से क्वेश्चन दे जितना भी हो रहा है। ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है। लिख लो क्वेश्चन आप लोग। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको बेहतरीन टाइप से। तो आपके पास क्या लिखा है कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रल, राइट। ये डबल इंटीग्रल ये आपको गिवन है, तो पहले उसको नोट डाउन करते हैं। तो आई इज इक्वल टू आपके पास लिखा है 0 to 8 और x/4 to 2, फंक्शन है अपने पास xy और ये है dy और dx, ठीक। उसके बाद लीड्स टू, मतलब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन
कि इस डबल इंटीग्रेशन का ऑर्डर को चेंज करना है ना, और आपको इसके आंसर देने कि सर ये पी क्यू आर कितना होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन जो आया था है ना गेट एग्जाम में, वो सर क्यू को पूछा था है ना, क्यू आस्किंग था उसमें, लेकिन चलो मैं तीनों ले लेता हूं है ना, और ऑप्शन भी गिवन थे उसमें बराबर, ठीक है। कभी भी यहां से आप देखेंगे नहीं कि यहाँ पे ऑर्डर आपको क्या है, आप लिमिट्स को देखोगे यहाँ पे कि ऑर्डर चेंज करना है कि नहीं, ठीक है। यहां से कभी भी आप बिलीव नहीं करोगे ये चीजों को लेके। चलो तो ये आपको दिख रहा है सर, ये तो y का लिमिट्स हो गए, ठीक है। ये अपने पास क्या दिख रहा है सर, ये तो x का लिमिट हो गया, बराबर है ना। तो आप क्या लिखने वाले हो सर, y की मिनिमम वैल्यू आप लिखोगे x by 4 और y की मैक्सिमम वैल्यू आप लिखोगे 2, फिर x की मिनिमम वैल्यू आप लिखोगे 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू आप लिखोगे 8, बराबर है क्या, बेहतरीन टाइप से। अब आप बनाओगे फिगर सर, फिगर बनाने के लिए ये देखो x और ये y, सर ये y, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना चीजों को अभी, ठीक है। y इज इक्वल टू x by 4 मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसका मैं इक्वेशन लिखूंगा y इज इक्वल टू x by 4, y इज इक्वल टू 2 मतलब सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे सर ये हो गया 0,2 और इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 2, मतलब कि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकाल लो इसके पॉइंट्स, तो y इज इक्वल टू 2 है, यहाँ 2 पुट करो तो आपको मिल जाएगा 8,2, ठीक है। अभी x इज इक्वल टू 0 मतलब सर y एक्सिस, x इज इक्वल टू 8 मतलब ये एक लाइन, और ये लाइन अपने पास कैसे बनने वाला है, x इज इक्वल टू 8 मतलब 8,0 ये हो गए, ठीक है, ओके यहां तक पहुंच गए। अब देखते हैं कि सर यहां पे आपने पहले क्या लिखा है, पहले आपके पास है y की लिमिट मतलब कि कंफर्म यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप यूज हुआ है, ऑर्डर को आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के बाद है ना ये आप चेंज करोगे, तो चेंज करने के बाद आपके पास अब क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब बात करनी है सर कि वर्टिकल स्ट्रिप कहां पे यूज हुआ है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। अब देखो हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप कहां पे है, किस रीजन पे है सर, यहां है कि यहां है, तो निकाल लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। अगर मैं चलो ऊपर लिखता हूं, ठीक है, अगर ये ऊपर है तो इसका नीचे वाला पॉइंट कहां पे है, स्ट्रेट लाइन पे। देखो तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है क्या y की मिनिमम वैल्यू, बिल्कुल है। ऊपर वाला पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा सर, y की वैल्यू 2, मतलब कंफर्म है सर कि अपना वर्टिकल स्ट्रिप ऊपर ही है, नीचे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसी स्ट्रिप को आपको क्या करना है, इसमें मैं टाइम पास नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको चेंज करूंगा, क्या होगा ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, आंसर दे रहे बहुत लोग, बहुत बढ़िया। इसको मैं चेंज करूंगा, ये हो जाएगा अब ये जो पॉइंट है अपने पास x की मिनिमम वैल्यू होगी सर, x की मिनिमम वैल्यू को आप देखो इस पूरे मूवमेंट पे कौन से लाइन पे बनाए सर, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे x इज इक्वल टू हो गया 4y, मस्त है। फिर ये जो है मैक्सिमम वैल्यू और ये जो पॉइंट है ये x की मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है और ये y एक्सिस में है, ये ऑलवेज मतलब 0, ठीक। ये नीचे कौन से पॉइंट तक आएगा, इसका नीचे वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये ओरिजिन, और ओरिजिन पे अपने को y की मिनिमम वैल्यू पता चलेगी 0। और ये ऊपर कहां तक जा रहा है, बाउंड्री कितनी इसके ऊपर की सर, ये लाइन है और इस लाइन पे y की हर एक वैल्यू आपको 2 दिखेगी, मतलब सर कि ये हो गया। अब अपने पास x के लिमिट लिख रहे हैं पहले, तो 0 से 4y और ये हो गया 0 से 2, द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। आप देख लो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, आर टू क्यू आर टू टू पी टू क्यू
और फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब कंपेयर कर लो, यहाँ पे कंपेयर करने में आपको क्या मिल रहा है, कंपेयर करने पे आपको मिल रहा है सर p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 4y और r की वैल्यू 0, ये देख लो। और क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था मैंने आपको, चलो तीनों बता दिया है ना। यस, बहुत लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक और था, उसको मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन था, उसको मैं नहीं करा रहा हूं, वो आप करना। क्या वो एक और बता दूं? देखो ये वर्टिकल एक्सिस है ना, अब इसको हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो आप लिमिट्स मतलब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर रहे हैं मतलब क्या हुआ कि पहले आप यहाँ पे लिख रहे थे वाई के लिमिट्स, तो वर्टिकल स्ट्रिप यूज हुआ है, वर्टिकल स्ट्रिप आपको ऊपर दिखा, अब इसी को चेंज करना है तभी तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होंगे, तो मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, मैंने क्या लिखा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, राइट। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को मैंने पुट किया, इसका मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ये पॉइंट, ये पॉइंट हमेशा ऐसे मूवमेंट कर रहा है ये, तो हमेशा ये टिप ऑलवेज इस स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 4y, राइट, और ये लेफ्ट मोस्ट एक्स इज इक्वल टू 0, ये देख लो एक्स इज इक्वल टू 0 अपने पास, ठीक, y एक्सिस में लिखा हुआ है। ये नीचे कहां तक जाएगा, इस बाउंड्री तक, इस पॉइंट तक जहां पे y की मिनिमम वैल्यू 0, जितना ऊपर जाएगा वो y की मैक्सिमम वैल्यू, ये लाइन है इसका बाउंड्री, तो y की वैल्यू यहां पे कितनी है 2 है, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ अ कर्व, लेंथ ऑफ अ कर्व, ठीक। देखो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। Find the length of curve y is equal to x 2 by 3 x
थ्री बाय टू, ठीक है, कॉमा एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन, ऑप्शन नहीं लिखा था, ठीक है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ठीक, देखो जैसे आपके पास ये एक लाइन है, समझ लो एक लाइन है अपने पास, है ना। अभी इस लाइन का आपको अगर मैं लेंथ फाइंड करने बोलूं तो आप क्या करोगे, आप स्केल रखोगे और इसको मेजर करोगे, बराबर, ठीक है। या अगर आपके पास कोई यस डिस्टेंस रूल लगा लोगे, है ना, बिल्कुल। या आप क्या करोगे कि ये तो सर एक स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी का लेंथ अपन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे, तो आपने लिखा हुआ है लेंथ ऑफ अ कर्व। फाइंड करने का तरीका बहुत इजी है, कैसे, आप देखो, जैसे आपके पास कोई एक पैराबोला है, कोई एलिप्स है, कोई सर्कल हो गए, है ना, या हाइपरबोला हो गए, तो सबका इक्वेशन आपको पता होता है, ठीक। तो हो सकता है कि किसी भी एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, स्मॉल इंटरवल के लिए आपको उस कर्व का लेंथ फाइंड करना बोले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहली बात ये कि अगर मुझे इसका लेंथ फाइंड करना है, समझ लो, तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इसका अपर लिमिट पता होना चाहिए, आपको इसका लोअर लिमिट पता होना चाहिए, और आपको इस जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इक्वेशन है, जो भी कर्व है, उस कर्व का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, और उसी फंक्शन को उठाओ और अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट आप उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो। तो ये होता है अपने पास क्या, ये होता है किसी भी कर्व का लेंथ को फाइंड करना, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, लेंथ ऑफ अ कर्व, और ये होता है अपने पास L इज इक्वल टू ए टू बी रूट ओवर वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ये अपने पास होता है, समझ में आ रही बात अपने को। तो इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ अ कर्व ये आपको गिवन है, सर y इज इक्वल टू टू बाय थ्री एक्स थ्री बाय टू, जैसा आप देख सकते हो कि y जो है वो x का फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, बराबर, उसमें तो एरिया आता है, अभी एरिया बताएंगे अभी, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं यहाँ पे कर्व की बात कर रहा हूँ, कर्व मतलब कि अपन यहाँ पे किसी भी लाइन को देख रहे हैं, किसी भी कर्व को देख रहे हैं, ठीक। देखो जैसे कि मैं फिगर बता रहा हूं, ये अभी इस ड्यूरेशन से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये अगर इसका आपको लेंथ फाइंड करने बोले, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये हो गया अपर लिमिट और ये हो गया ये हो गया लोअर लिमिट, ये पॉइंट, और ये हो गया अपर लिमिट, ये पॉइंट, और इसमें जो फंक्शन आपको गिवन होगा वो देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फॉर्मूला, ठीक। तो आप क्या करोगे, अपर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट आप उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ अ कर्व, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया ना, ये इससे कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है, ये पैराबोला के फॉर्म में मैंने ले लिया है, ठीक। अभी आपको देखो ये फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया टू बाय थ्री, यहां से थ्री बाय टू डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो गया एक्स थ्री बाय टू माइनस वन, तो ये कैंसल हो गया यहां से, तो आपको मिल गया एक्स वन बाय टू, क्या मिल गया, एक्स वन बाय टू। तो पुट करते हैं, देखो ये वैरी कहां से कर रहा है, सर जीरो से लेके वन तक, तो ये हो गया अपने पास लिमिट जीरो से वन, फिर रूट ऑफ वन प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, और ये डी एक्स, एक्स वन बाय टू रूट एक्स हो गया ना,
तो इसको सॉल्व किया हम लोग, तो जीरो से वन रूट ऑफ वन प्लस एक्स डी एक्स ये। अब सर रूट वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक काम करो, वन प्लस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब नाउ इंटीग्रेशन बिकम्स सर लिमिट x की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो वन मिल रहा है, और x की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं तो आपको टू मिल रहा है, राइट? यहां पे हो गया सर रूट टी, ठीक है, और ये डी टी। तो इंटीग्रेशन हम लोगों ने सॉल्व किया, तो रूट टी का सर ये हो जाएगा वन बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू प्लस वन, ठीक, और ये हो गया वन से लेके टू तक इसके लिमिट। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा टू बाय थ्री और थ्री बाय टू, पुट करो लिमिट यहां पे और बताओ कितना आंसर आ रहा है। टू पावर है थ्री बाय टू और वन पावर है थ्री बाय टू। चलो बताओ एल की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से। कितना आ रहा है 1.21, तो ये मैंने लिखा 1.21, ठीक। ये ठीक है, आप लोगों का ग्रुप है क्या? क्या आप लोग एक साथ एक ही ग्रुप में हो? क्या बोलते हो? क्वेश्चन शीट भेजने, मुझे क्वेश्चन लिखाने में टाइम पास ज्यादा होगा। अरे यार, गेट वाले ग्रुप में दे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हो मेरे? एक मिनट आराम से लिंक शेयर। देखो रुको, मैं भेज रहा हूं। ठीक है, एक मिनट वेट करना, क्योंकि क्वेश्चन लिखाने में बहुत टाइम पास हो रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं अभी। ये देखो, ये भेज दिया है। किसने भेजा है? विशाखा ने। देखो तो ये देख लो, मिन गया। ये देखो यहाँ पे भेजा है किसी ने, अपने चैट पे देखो, सभी मिल गया सभी। चलो बेहतरीन तरीके से ज्वाइन कर लो उसको, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। बहुत खतरनाक यार, सभी टेलीग्राम पे हो ना? हो ही हो गया, सबके पास तो स्मार्टफोन है ही। स्टार्टिंग मुझे टेलीग्राम पे चैनल बनाने नहीं आ रहा था, पता है आपको, मार्च अप्रैल की बात है। Thank you.
wait for some time, you will get it. Okay. देखो तो भेजा है मैंने, बस आता ही होगा, 8 MB का है, पूरे भेज दिए मैंने चैप्टर के। खुश हो जाओ इसमें, अब बहुत क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज्यादा। ठीक है, सारे आ गए टेलीग्राम ग्रुप पे। एक बार फिर से लिंक भेज देना आप लोग, ठीक है? लिंक आप फिर से भेज देना मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है? फिर से आप लिंक भेज देना, अभी यहीं पे फिर से भेजो लिंक को। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, स्क्रॉल हो गया होगा आगे जाके पूरा, फिर से एक बार लिंक भेज दो। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, जो लोग को ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन कर लो। चलो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे। यस, मैथ्स बाय मी। इसका चैट ग्रुप भी है, मतलब आप अपने आप पे डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है? फालतू की चीजें बस मत डालना, आपको जो भी डाउट्स आपस में डिस्कस कर सकते हो। ओके, सब आ गए? सबको मिल गया? सही है सोनो, सबको मिल गया? ठीक ठीक, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, यस, बेहतरीन मिल गया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे। सर क्वेश्चन नंबर टू मतलब सर कौन सा? सर यहां पे तो बहुत सारा है। तो ये है अपने पास इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस 03, इंटीग्रल कैलकुलस 03। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट करके डाले हुए हैं, है ना? ये पूरा पेज जो मेरे पास है, जो आपके पास पहुंच चुका है, मतलब बहुत अच्छा है इसमें, आप देखना। ये मेरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है ना, लॉकडाउन में मैंने इसको बनाया था। ठीक, देखो ठीक है, पढ़ रहे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर टू लिखा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, सर कौन सा फंक्शन? एक्स वाई इज इक्वल टू 4x³ + 10y⁴। ठीक है, ये अलोंग द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0, 0, सर ये 0, 0 कौन है? ये एक पॉइंट है, से लेके अपने पास 1, 2 तक की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आया था जस्ट 2 या 3 साल पहले ही आया था क्वेश्चन ये, अलोंग दी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो स्ट्रेट लाइन एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही वेरी होता है ना? तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लाइन इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करने वाला हूं, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन को, और ये एक्स वाई प्लेन पे बना हुआ है। ठीक, तो लाइन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मैंने लिखा यहाँ पे सर लिमिट,
अब यार बात हो रही है सर कि आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो, है ना, स्ट्रेट लाइन का। और स्ट्रेट लाइन में अगर आपको इसको शो करना है, जैसे अगर मैं इसको शो करूं एक्स वाई प्लेन में, ना ये ऐसा शो कर लो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट है मेरे पास 0,0 और ये पॉइंट हम ले लेते हैं 1,2, ठीक है, राइट। ये स्ट्रेट लाइन बन गया। अभी इसी स्ट्रेट लाइन के लिए अपने को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सर, इंटीग्रेशन की वैल्यू। यहाँ पे अभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा सर, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या होता है, स्लोप, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये हो गया अपने पास 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, स्लोप की वैल्यू 2 हो गई मेरे पास, है ना। और सी इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस सर ये 0 है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया 2x y इज इक्वल टू 2x, ठीक, ये लिख लिया हम लोगों ने। तो आप सिंगल इंटीग्रेशन यहाँ पे इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही वेरी होता है ना। तो इसका मतलब सर कि जब आप इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख रहे हो, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में x y dx, ये मैंने ये लिखा सर, मतलब कि आप सिंगल वेरिएबल में ही पूरे फंक्शन को चेंज कर दो। y इज इक्वल टू 2x मिल गया ना, तो अब यहां पे क्या करो, इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं, g ऑफ x y ये हो जाएगा अपने पास g ऑफ x, कैसे हो जाएगा सर, 4x³ + 10, y की वैल्यू है 2x, तो 2x⁴ दैट बिकम्स 4x³ + 160x⁴। तो ये हो गया मेरे पास g ऑफ x, ये ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, g ऑफ x, और लिमिट क्या लिखेंगे सर, x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1, ठीक। तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेके 1, 4x³ + 160x⁴ दैट बिकम्स dx। इसको सॉल्व करो आगे, तो इंटीग्रेशन हो गया सर 4x⁴/4, ठीक। अब लिमिट सर 0 से 1 प्लस, इसको सॉल्व किए, 160x⁵/5, तो ये हो गया 0 से लेके 1, तो i इज इक्वल टू 4 कैंसल, 1 माइनस 0 प्लस ये सर ये हो गया 32, अगेन 1 माइनस 0, तो बेहतरीन तरीके से अपने पास आंसर आ गया सर 33। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था ना ये, नहीं, ऑप्शन थे इसमें, ऑप्शन ए आ गया, ठीक है, 33, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों लिखवाना, टाइम पास होगा इसमें, है ना, राइट। जो लोग नोट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। आज के लेटेस्ट पैटर्न पूरा यहाँ पे, अभी तक 2020 तक का पूरा इसमें पैटर्न यहाँ पे डला हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे। इसमें तो प्लेन दिया है, कौन सा प्लेन, 6th नंबर क्वेश्चन, यस, ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस 6th नंबर। इसमें लिखा है लाइन इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन गिवन है टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस डी जेड, राइट। ये है अपने पास। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स आपको फाइंड करनी है अलोंग अ पाथ ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट। मतलब सर कि ये एक पॉइंट हो गया 0, 0, 0 और उसके बाद ये एक पॉइंट हो गया 1, 1, 1। इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इंटीग्रेशन जो है एक लाइन इंटीग्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। और लाइन इंटीग्रेशन में आप लोग को पता ही है कि सिंगल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होते हैं और सिंगल इंटीग्रेशन अगर इन्वॉल्व है तो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में थ्रू आउट द इंटीग्रेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। यहां पर चीजें समझ में आ गई है, ठीक। सिंगल इंटीग्रेशन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो एक्स है वाई है और जेड है, तीनों के फॉर्म में गिवन है। तो ऑफकोर्स ये एक 3D ज्योमेट्री की बात हो रही है, ये कोऑर्डिनेट को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक। लेकिन आपने क्या बोला कि सर लाइन इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन होगा, मतलब आप एक काम करो कि पूरे पूरे फंक्शन को यहाँ पे पूरे फंक्शन को अपन एक काम करते हैं चेंज कर देते हैं सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में। समझ में आ रही की बात अपने को, किसमें? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक। अब ये 3D ज्योमेट्री है अपने पास, तो x1, y1, z1। देखो ये पैटर्न है आजकल का स्टाइल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इतना आपने को समझ में आ गया कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप इसको चेंज करने वाले हो जो अभी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है, ठीक। अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप लोग पैदा हुए, ठीक है, आपने लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या पढ़ा आपने सर? x1 y1 और x2 y2 इसका इक्वेशन आपने क्या पढ़ा था पासिंग थ्रू ओरिजिन का? y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 डिवाइड बाई x2-x1 और x-x1, ठीक है। ये पढ़े थे हम लोगों ने। फिर सर अगर मैं, है ना, इसको पढ़े ना, इसको हम लोग बिल्कुल पढ़े सर, मुझे वानी याद होगा अपने को ये। अगर मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ सर, एडजस्ट मतलब y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x-x1 डिवाइड बाई x2-x1। सर ये हम लोगों ने 2D ज्योमेट्री की बात कही है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री का। सर 3D ज्योमेट्री में z भी आ जाएगा, तो सिमिलरली वी कैन राइट फॉर y-y1 y2-y1 is equal to x-x1 divided by x2-x1 is equal to z-z1 divided by z-z2-z1। इसको आप लोग जानते हैं क्या? सर बिल्कुल जानते हैं हम लोग इसको, है ना। ये हो गया अपने पास। तो अब क्या करें सर, लगा दो यहाँ पे। देखो लगाते हैं बेहतरीन तरीके से, x-0 divided by 1-0, y-0 डिवाइड बाई 1-0, z-0 डिवाइड बाई 1-0। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। लेट सपोज ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं इसको चेंज कर दिया एक डमी वेरिएबल से t। ये देख लो मैंने एज्यूम किया ऐसा, ये तो ये हो गया dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz इज इक्वल टू dt। मैंने इसको चेंज कर दिया यहां पे। अब आप देखो सर, x का y का z का लिमिट जो है इसके लिए 0 से 1 है, 0 से 1 है, 0 से 1 है। तो x के 0 टू 1 के लिए सर t का लिमिट क्या होगा? सर ऑब्वियसली x जो है वो t के इक्वल है, इसका मतलब ये भी 0 से 1 होगा। सर y का है 0 से लेके 1, तो t का लिमिट भी 0 से लेके 1 होगा, है ना। आप चेंज कर रहे हो ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हो गया 0 से 1 और तो t का लिमिट भी 0 से 1, ये तो बढ़िया हो गया सर, ठीक। अब इस इंटीग्रेशन को मैं, चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं। पूरा एक्स वाई जेड को आप t में चेंज कर दो, तो ये हो गया 2t³ dt + 2t³
डी टी प्लस डी जेड कौन है, डी जेड सर डी टी है, ये हो गया। टी का लिमिट क्या है, जीरो से वन, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया सर जीरो से वन, ये हो गया सिक्स टी क्यूब, नहीं सिक्स नहीं सॉरी फोर, फोर टी क्यूब प्लस वन डी टी, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया फोर टी पावर फोर डिवाइड बाई फोर, लिमिट है जीरो से वन और यहां पे है टी जीरो टू वन, कितना आंसर हो गया, ये कैंसिल हो गया तो बच गया वन प्लस वन दैट बिकम्स टू, ठीक सर। ये assumption, assumption, अभी तो बोला ना मैंने, आपको क्या करना है कि सारे वेरिएबल्स को एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपको चेंज कर देना है। आपने देखा एक्स वाई जेड यहाँ पे ये तीनों इक्वल फॉर्म में दिख रहे हैं, मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अभी कुछ देर पहले मैंने इसको सॉल्व करने के पहले बोला ना आपको कि लाइन इंटीग्रेशन मतलब सिंगल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन मतलब सिंगल किसी वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप चेंज कर दो। सबसे सिंपल वे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अभी इसके बाद सेवेंथ नंबर क्वेश्चन इसी का बड़ा भाई है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है, करेंगे उसको भी करेंगे, ठीक है, सब करा देता हूं, सब मतलब जो मुझे अच्छा लगता है मन करता मैं करा देता हूं। ठीक है चलो, तो बेहतरीन टाइप से स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन इसी का ही बड़ा भाई है ये सिक्स्थ का, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के। टू जेड डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस टू एक्स डी जेड, ठीक है, वेयर एक्स एंड एक्स वाई जेड आर रियल, लेट सी बी द स्ट्रेट लाइन। सर ये स्ट्रेट लाइन है सी, ठीक है, ये लिखा हुआ है सी और यहां पे लिखा है जीरो कॉमा टू कॉमा जीरो कॉमा टू कॉमा वन, फिर यहां पे फोर कॉमा वन कॉमा माइनस वन, ठीक, ये हो गया पॉइंट ए मेरे पास और ये पॉइंट बी। तो अगेन आपको दिख रहा है सर तो सिंगल इंटीग्रेशन है, फिर से आपको वही करना पड़ेगा, फिर से सेम प्रोसेस, फिर से वो देखो लिखा है मैंने सब बाजू में, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसको ले लो x1 y1 z1 और ये लिया आपने x2 y2 और z2, तो x y z को आप चेंज कर दो सिंगल वेरिएबल में, y माइनस पहले x लिख लेते हैं, x माइनस जीरो डिवाइड बाई फोर माइनस जीरो इज इक्वल टू y माइनस टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टू z माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन माइनस वन x डिवाइड बाई फोर y माइनस टू डिवाइड बाई माइनस वन और ये z माइनस वन डिवाइड बाई माइनस टू, और मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि लेट सपोज ये t है। इससे क्या होगा सर x बाई फोर, अब देखो यहां पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं आपको, x बाई फोर इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू फोर टी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिए तो dx इज इक्वल टू फोर डी टी, राइट,
एक्स का रेंज कितना है? सर जीरो से लेके फोर है, तो जीरो से लेके फोर के लिए टी कितना होगा भाई? टी बताओ कितना होगा? सर यहाँ पे जीरो पुट किए तो जीरो मिला, फोर पुट किए तो बेहतरीन टाइप से वन मिल गया, ठीक। उसके बाद y माइनस टू डिवाइड बाई माइनस वन इक्वल टू टी, तो सर y की वैल्यू क्या होगी? यहां से y हो जाएगा माइनस टी प्लस टू, सो डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी टी। वाई की वैल्यू है ना, आप देख पा रहे होंगे y की वैल्यू कितनी है? सर टू से लेके वन है, तो टू टू वन, तो t कितना हो जाएगा बताओ? t कितना होगा? सर यहाँ टू पुट करो तो सर ये तो जीरो हो गया ना, तो बड़ी आसानी से जीरो हो गया। फिर वन पुट करो तो ये हो गया वन अपने पास। फिर यहां पे z माइनस वन डिवाइड बाई माइनस टू इक्वल टू टी, तो ये z इक्वल टू माइनस टू टी प्लस वन, तो dz इक्वल टू माइनस टू डी टी। z का रेंज क्या है? वन से लेके माइनस वन, उल्टा सीधा गिवन है आपको। फिर ये t पुट करो यहां, सर ये जीरो हो गया, बढ़िया हो गया, तो सर ये वन हो गया, चलो ये भी बढ़िया हो गया, ये देख लो। सर इत्तेफाक की बात ये थी कि इस क्वेश्चन में जनसंख्या कम हो गई थोड़ी, चलो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था? इस क्वेश्चन में अपने पास x का y का z का रेंज पूरा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी जिसमें अपन चेंज कर रहे हैं एक अनदर वेरिएबल में, उसका रेंज तीनों के लिए 01 01 01 आया है। इसको आना ही है भाई, ऐसा क्वेश्चन डिजाइनर लोगों ने किया ही है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने को। अब यहां पुट करना थोड़ा आसान नहीं रहेगा अपने लिए, इतना है कि लिमिट जीरो से वन है z, dx 4 dt प्लस y कितना है? माइनस t प्लस टू dy माइनस dt, टू x कितना है आगे x 4d, और dz कितना है? माइनस टू dt। क्या बोल रहे z की? नहीं, अच्छे चेक करो, गलत बोल रहे हो, तुम चेक करो सही है, यहाँ पे सही है, जीरो से वन ही है वो, देख यहाँ वन पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद वन पुट करोगे, सॉरी माइनस वन पुट करोगे, माइनस वन माइनस वन माइनस टू बाई माइनस टू वन हो गया, ठीक। चलो यहाँ पे आते हैं, जीरो टू वन मल्टीप्लाई करो तो इसको सर टू इंटू टू फोर फोर, ये माइनस सिक्सटीन टी एट माइनस माइनस प्लस टू टी डी टी टू टी फोर माइनस फोर टू टू माइनस सिक्सटीन एंड ओवरऑल डी टी, और ये टी हो गया। सो इंटीग्रेशन यहां सॉल्व किए जीरो टू वन माइनस थर्टी टी प्लस, इसको सॉल्व किए तो ये हो गया फोर, ठीक है, यहां पहुंच गया डी टी। अब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया थर्टी टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जीरो टू वन, फिर उसके बाद फोर टी जीरो से वन माइनस सिक्सटीन प्लस फोर, नहीं ये 15 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11, तो बहुत पेशेंस है भाई इसको सॉल्व करने में, ठीक है, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ताकत चाहिए अपने को,
या आंसर यहाँ तक पहुंचने में, है ना। ये वही लोग करते हैं जो लोग बहुत अच्छा करने वाले थे एग्जाम में, ठीक है। ये ऐसे ऐसी फालतू लोगों से सॉल्व नहीं होता ये। ये मतलब इतना ज्यादा जूझ के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी आंसर तक पहुंचना, और ऊपर से देखना कि सर ये तो फिल इन द ब्लैंक है, मतलब गजब ही हो गया मतलब अपने लाइफ में, आप है ना। बोले सर माइनस 11 आ गया, अरे यार सर ये तो सही है कि नहीं है, गलत है, क्या बोले अपन, चलो पुट कर देते हैं भगवान का नाम लेके, है ना। ऐसा होता ही है फीलिंग गेट में, ठीक है। अगर लिमिट अलग हो जाए, हो ही नहीं सकता, ये चीज हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही वैसा डिजाइन होगा, हो ही नहीं सकता, है ना। और देखो ये आंसर भी आप लोग दे देते हो, और अगर अलग हो गया तो आपको सबको सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि ये अलग और ये अलग, ठीक है। लेकिन उसमें फिर ये फंक्शंस थोड़े डिफरेंट गिवन होंगे, अभी सब मिक्सअप है ना, अभी x के साथ z है, y के साथ y, z के साथ x है, सब मिक्सअप है, उसमें थोड़ा पर्टिकुलर आपको ऐसे फंक्शन गिवन होंगे, राइट। तो वही तो कह रहा हूं आपको मैं, अगर अपने पास फंक्शन ऐसे पर्टिकुलर गिवन होंगे जिससे कि आप लिमिट को सेपरेट कर पाओ सबके लिए, ये बोल रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज मिक्सअप होंगे पूरे फंक्शंस, उसके डेरिवेटिव्स, तो ऑलवेज आपको एक ही लिमिट मिलेगा, जैसे दो क्वेश्चन में यहाँ पे मिलते आ रहा है, ठीक है। अभी कोई डाउट, आगे बढ़े क्या बेहतरीन टाइप से, चलो। क्वेश्चन नंबर 9, देखो मैं आपको बता दूं, इसको नोट कर लिए क्या, पहले बताओ नोट कर लिए, पहले कमेंट करो आप। ठीक है ना, ओके चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि क्वेश्चन नंबर थ्री, देखो देखो जरा देखो, क्वेश्चन नंबर फोर देख रहे हैं सभी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इन सभी में क्या फाइंड करना है, देखो कौन कौन सा बोल रहा हूं, देखो तो जरा कौन कौन सा बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्या फाइंड करना है इसमें जरा देखो। और मुझे बताओ क्या, अभी सॉल्व नहीं करना कोई, पहले बताओ क्या क्या फाइंड करना है उसमें, सभी को दिख रहा है क्या फाइंड करना है उसमें, सभी देख पा रहे हैं, यस एरिया, है ना। तो मैं इन चारों में सबसे टफ क्वेश्चन जो है 9th नंबर, वो मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग करना, क्या बोलते हो, एग्री करते हो क्या मेरे साथ, आप लोग क्या बोलते हो, ठीक है, एग्री करते हो ना, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हेडिंग डाल लो आप लोग, बढ़िया सा। इस क्वेश्चन को भाई थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन में से एक मैं इसको काउंट करता हूं, और ये गेट में आया है, तो क्यों ना अच्छा क्वेश्चन ही किया जाए, सिंपल क्वेश्चन के बताने से अच्छा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पैराबोला ही है, पैराबोला। उसके बाद
स्ट्रेट लाइन गिवन है आपको सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, ठीक है ये। नहीं भाई शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं है, लिटरली बोल रहा हूं, टाइम लग जाएगा इसमें क्योंकि लिमिट्स निकालनी पड़ती है, स्ट्रिप लेना पड़ता है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, होता तो मैं जरूर बताता, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग पाता। क्या स्ट्रिक मत बताना, नहीं बता, स्ट्रिप नहीं बताओ क्या, नहीं बताओ क्वेश्चन। अरे तो लिमिट्स, लिमिट्स अपने को स्ट्रिप से निकालनी पड़ेगी ना, लिमिट्स आपको निकालना है तो स्ट्रिप से निकालना पड़ेगा, आप स्ट्रिप लेंगे तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन में यार, इंजीनियरिंग है अपन तो, है ना, स्ट्रिप लेने तो मजा आना चाहिए अपने को। चलो देखते हैं, देखते हैं आराम से देखते हैं यहाँ पे, है नी, चलो बेहतरीन ढंग से देखते हैं यहाँ पे। स्ट्रिप से ना मैं भी बहुत डरता था पता है, इवन मैं अपने गेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में ना ये स्ट्रिप वाला पूरा छोड़ के गया था, सर सही बोल रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसको तैयार किया, एकदम एकदम कूल हूं मैं आज, कोई भी क्वेश्चन दे दो। देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहां से पास हो रहा है ना, कहां से पास हो रहा है वो अपने को बात करनी है, ठीक 540 कहां से पास हो रहा है वो अपने को बात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं चलो एक्स एक्सिस को रिफर कर रहा हूं, यहां से देखना एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस में वाई कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है बराबर है ना। तो पुट करो यहाँ पे तो x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, तो x एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 0, फिर y एक्सिस में ये बोलो यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 होती है, ये मेरा स्टाइल लिखने का, y की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो ये अपने को पता चल गया कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ये इन दोनों पॉइंट से पास होगा, तो पास करवाओ उसको। एक और चीज, एक और चीज, ये क्या है पैराबोला, ये अपने पास है पैराबोला, कौन सा पैराबोला, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ये। चलो इसको अपन फॉर्म करते हैं, ये ऐसा कुछ, ये y और ये x, लेकिन ये पैराबोला कुछ अलग ही गिवन है सर, पैराबोला हमेशा ऐसे टाइप से होता है कुछ, या तो ये होता है या तो ये होता है, और इसका इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे है प्लस वन, तो ये पैराबोला शिफ्टेड फॉर्म पे है, और शिफ्टेड फॉर्म पे है मतलब कि ये ऐसा कुछ बनने वाला है ये, और ये वो पॉइंट होगा है ना, ये तो हो गया 0, 0, ये पॉइंट कौन सा होगा सर, 0, 1, ठीक है शिफ्टेड फॉर्म पे, मस्त है ना। उसके बाद यहां पे वो पॉइंट होगा 3, 0, यहां पे को थोड़ा सा आपको तो यहां ले लो, तो यहां ले लो, ये अपने पास ऐसा कुछ, ये हो जाएगा 3, 0, और ये पॉइंट होगा, इसको आगे बढ़ा लो और ये 0, 3, ये मेरे पास फिगर बन गया, ठीक है बढ़िया सा फिगर बन रहा है एकदम। अब देखो इस फिगर में बहुत कमाल की चीज ये हो रही है कि सर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और कमाल की चीज ये है कि यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको दो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ले लिया, ये क्वेश्चन आया था सिविल में, ठीक है ये क्वेश्चन को ले लिया मैंने। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना है, सर कैसे करेंगे फाइंड, यहाँ पे दोनों को सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, तो ये y की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0,
तो एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है यहां से, एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है यहां से, टू और माइनस वन, ठीक है डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं टू और माइनस वन। सर ये टू के लिए वाई की वैल्यू, ये टू पुट करो यहां पे, सर ये हो जाएगा वन, और सर यहां पे एक्स पुट करो माइनस वन, तो यहां पे जाके हो जाएगा ये फोर, तो ये आ गया अपने पास। तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे हुए सर, टू कॉमा वन एंड वी हैव माइनस वन कॉमा फोर। सर ये आना ही था ऐसा, आप देखोगे ये वैल्यू है टू कॉमा वन, सर दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, और यहां पे माइनस वन कॉमा फोर, माइनस वन कॉमा फोर मतलब सर एक्स नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट पे और वाई पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट पे, ठीक। ये आगे इंटरसेक्शन पॉइंट, तो रीजन अपने पास अब बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे ये रीजन, ठीक। अब आप लोग जानते हो कि सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया सर ये होता है डबल इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स, ओके जानते हैं ना इसको, डबल इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स, ठीक। तो अब सर अब इसका लिमिट्स आपको निकालना पड़ेगा, सर लिमिट्स निकालना है तो मैं लूंगा स्ट्रिप यहाँ पे, ये देखो और मेरा फेवरेट स्ट्रिप यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप है, मैं इसे को ही लूंगा, ये नीचे वाला पॉइंट y की मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है ना सर, y की मिनिमम वैल्यू इसका इसका जो मूवमेंट है कुछ ऐसा होगा अलोंग द x एक्सिस, ये सर नीचे वाला पॉइंट जो है वो हमेशा इस कर्व पे बना हुआ है, ये कर्व कौन है पैराबोला, पैराबोला को क्या बोल रहा है y is equal to x square plus 1, तो सर ये हो गया x square plus 1, यहां लिख दो x square plus 1, ठीक है dy dx। उसके बाद इसका ऊपर वाला पॉइंट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे है ना, आप देखो ऊपर वाला टिप जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे घूम रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है y is equal to सर 3 माइनस x, सर यहां पे लिमिट तैयार होते जा रहे हैं, देखो ना कितना सिंपल है यहां पे, सर पॉजिटिव साइड भी तो स्ट्रिप ले ले, नहीं नहीं मेरे भाई पॉजिटिव साइड नहीं लेते, पूरे रीजन पे कवर करना होता है, ठीक है। यहां ये जो स्ट्रिप है पूरा यहां से आएगा, ये यहां से पूरा यहां तक रीजन की बाउंड्री है, ये इस रीजन का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये स्ट्रिप घूमते हुए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो यहां लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस वन, ये माइनस वन, और ये यहां तक घूमते रहेगा, ये है इस रीजन का राइट मोस्ट पॉइंट, राइट मोस्ट पॉइंट पे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है टू, मतलब ये हो गया टू। अब इसको सॉल्व करो, बस हो गया आंसर, माइनस वन टू वन, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। चलो यार इसको आप लोग सॉल्व करोगे, मुझे नहीं आता, आप जानते हो ना मुझे नहीं आता सॉल्व करना, क्या हो ये हाँ ठीक, चलो चलो बताओ आप सॉल्व करो इसको, मेरे को नहीं आता सॉल्व करना ये, चलो बताओ जल्दी बताओ, यस यस सिंगल इंटीग्रेशन से भी निकालते हैं, वेट तो करो मैं बताता हूँ आपको, वेट करो बस इसको बताओ, यार कैसे कर रहे हो यार,
किसका माइक ऑन है? चलो कोई नहीं, क्या आंसर बोल रहे हो इसका? ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है? इट्स बताओ, जल्दी बताओ। मेरे को ना ये गड़बड़ लग रहा है, आप लोग सॉल्व कियो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको लेके आना है आपको प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो यार एक्स वन आ रहा है माइनस टू आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग ही बताए थे। इसी को बोल रहे थे ना आप लोग, ये माइनस टू है और ये वन है। माइनस टू पुट करो यहां पे, ये माइनस टू पुट किए तो ये फाइव आ गया, और ये वन पुट किए तो ये टू आ गया। ठीक है, ये तो पूरा चेंज हो गया है, तो गड़बड़ हो गया पूरा। माइनस टू और ये फाइव और वन कॉमा टू, ठीक, ये माइनस टू और ये फाइव, यहां पे पता चल रहा है माइनस टू, मतलब यहां पे आएगा माइनस टू, यहां पे आएगा माइनस टू, और यहां पे वन कॉमा टू, मतलब ये वन, यहां पे लिखेंगे वन, ठीक है, ये माइनस टू, ये वन, ठीक है, माइनस टू फाइव और वन कॉमा टू, यस आई ऑलरेडी चेंज्ड, है ना। यहां पे देख लो पूरा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो आप लोगों की गलती है ना, मैं नहीं जानता, मैं आज सरेंडर कर दिया, ठीक है, आप लोग बताए भाई लिख दिया। चलो बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। अभी सब चेंज कर दिया मैंने, माइनस टू से वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, थ्री माइनस एक्स, ये इसको सॉल्व कर लिए। वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, है ना, एक्स की वैल्यू में दिक्कत है। चलो चलो बताओ जल्दी, माइनस टू से वन, तो यहां पे यस, किसने आंसर दिया भाई पहले? माधवी ने, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत जबरदस्त, नाइन बाई टू, ठीक है, नाइन बाई टू। सो बहुत देर के बाद यहां पे आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देख लो, आप चारों क्वेश्चन को पढ़ो, कौन कौन सा थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और नाइन्थ नंबर, टेंथ नंबर, अब चारों को आप पढ़ के देखो। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा है। मेरे को लगता है अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। क्या बोलते, यहाँ पे हाथ रख के बोलो, क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूँ क्या ना मैं, बताओ तो।
बताओ, जल्दी बताओ ना यार, जल्दी से बताओ जो मैंने पूछा आपको। हाँ समझ गए, क्या बोलते हो? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जो नाइन्थ और टेंथ है, सबसे शानदार क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद क्या लग रहा है आपको? बाकी क्वेश्चन कर लोगे एरिया ऑफ रीजन फाइंड करने का? ठीक है, कर लोगे? चलो ये हुई ना बात अपने पास। ठीक, एरिया का फॉर्मूला। हाँ तो मैं आपको कुछ बचपन की आपकी यादें ताजा कराता हूं। अभी देखो, जो आप क्लास ट्वेल्थ में थे, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला समझ में नहीं आया। एरिया का फॉर्मूला भाई, जब अपन क्लास ट्वेल्थ में थे, ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला ही है। अभी लेंथ ऑफ लिखा था ना मैंने, लेंथ ऑफ कर्व, ये फॉर्मूला कैसे आया वो बता देता हूं। देखो, एरिया ऑफ रीजन ये हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था। जस्ट मैंने यहाँ पे एक दो केस में आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे एक रीजन लिया, एक रैंडम ऐसे ही, ठीक है, ये रीजन है मेरे पास। इस रीजन का मुझे ये आर है, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। थोड़ा फास्ट वे बताऊंगा, समझना आप, ठीक है? क्लास ट्वेल्थ की यादें ताजा हो जाएंगी अभी। इस रीजन का अपने को एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करते थे वहां पे? यहाँ पे हम लेते थे स्ट्रिप, याद है, स्ट्रिप लेते थे। तो मैंने यहाँ पे लिया, चलो इस केस को मैं समझा देता हूं, और वर्टिकल स्ट्रिप के साथ, ठीक है? तो वर्टिकल स्ट्रिप में आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया, आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सर रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रिथ एंड वॉट एवर, जो भी आपको जिस भी शेप का पता है। लेकिन ये शेप एक रैंडम शेप है सर, तो क्या करेंगे इसके लिए? अपन उस रीजन का अगर एरिया फाइंड करना होता है, तो वो रीजन क्या है? अभी रैंडम है, आप नहीं बोल सकते। तो यहां पे आप इन्वॉल्व करते हो इंटीग्रेशन को, है ना? जब आप इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करते हो, तो उससे क्या होगा अपने पास? आपको स्ट्रिप लेना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन का लिमिट्स पता होना चाहिए कि किस बाउंड्री से किस बाउंड्री तक अपने को उस स्ट्रिप को मूव कराना है, ठीक है? तो इसके मूव कराने से पूरा रीजन कवर होगा। तो अगर मैं स्ट्रिप की बात करता हूं, तो एक जो एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जानते हो ना इसको? ये समझ लो एक्स एक्सिस में एक स्मॉल इंटरवल है, ये लेंथ है, और ये समझ लो इसका ये वाई लेंथ हो गया। तो आप इस स्ट्रिप का एरिया क्या लिखोगे सर? आप लिखोगे y dx, ठीक है? अभी अगर मैं बोलूं कि इस स्ट्रिप के मूवमेंट कराने से आप इसका एरिया निकाल रहे हो, तो एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया, एरिया ऑफ व्हाट? इस वर्टिकल स्ट्रिप का, और वो क्या है सर? y dx, ठीक है? और यहां पे होता है x की मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक? उसके बाद क्या ये फॉर्मूला आपको याद आया? हम लोग क्लास 12 में यही पढ़ते थे, और क्लास 12 में पढ़ते थे तो ये लिखते थे हम लोग सर, x की मिनिमम वैल्यू टू x की मैक्सिमम वैल्यू, है ना? y क्या होता है सर? y की, आप देखो ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, अभी आपने बोल दिया कि सर y है ये, तो y है क्या?
सर ये स्ट्रिप का नीचे वाला पॉइंट है और ये ऊपर वाला पॉइंट है, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू, और ये हो गया मेरे पास dx। याद आया क्या? क्या बोलते हो, याद आया अपने को, है ना? यही तो सर, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, कभी डबल इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, कभी सिंगल इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। अभी मैंने एरिया का फॉर्मूला लिखा था डबल इंटीग्रेशन, ठीक है? ऐसा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर दूं तो ये हो जाएगा y dx, ऐसे ही होगा ना? फिर आप क्या पुट करते हो, आप यहां लिखते हो x की मिनिमम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे लिमिट पुट करते हो ना, लिमिट कैसा होगा, y की मैक्सिमम वैल्यू माइनस y की मिनिमम वैल्यू। अब बताओ मुझे इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, ये बताओ, ये दोनों में कोई डिफरेंस है अपने पास, है ना? ये तो वही है, क्लास 12 में हम लोग मल्टीपल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते थे, वहां पे सिंगल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता था सिर्फ। मल्टीपल इंटीग्रेशन हम लोग जब बड़े हुए कॉलेज में आए तब पढ़ना स्टार्ट किए थे, है ना? ऐसे ही था अपने पास, बताओ जल्दी से। ठीक, ये है ना, सेम एज इट इज आप लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एरिया के लिए डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, या इसको लिख सकते हो सिंगल इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक्स डी वाई। ये सब याद होगा आपको, या वर्टिकल स्ट्रिप, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक ठीक है, समझ में आ गई बात अपने को, यहां तक क्लियर है? अभी एरिया और लेंथ हम लोगों ने पढ़ लिया, मस्त हो गया टॉपिक, है ना? ओके, अभी नेक्स्ट अपने पास होता है ग्रीन्स थ्योरम, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या आपको बताएगा सर, ग्रीन्स थ्योरम कहाँ यूज करते हैं? देखो, कई लोग को यह होता है कि ग्रीन्स थ्योरम जो है वो फॉर्मूला पता होता है, लेकिन कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, किस क्वेश्चन में उसको इन्वॉल्व करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, ये कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। एकदम सिंपल सा बात करूंगा, समझना आप लोग। जैसे मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको सभी को, एक रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है? अभी मैं आपको बोलूं कि मैंने एक सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है? एक सिंगल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए लाइन इंटीग्रेशन अपन इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको बोलूं कि इस लाइन को मैंने एक लाइन लिया, एक और लाइन लिया, मैंने एक और लाइन लिया और एक और लाइन लिया, चार लाइन लिए मैंने और चारों लाइन को मैंने क्लोज कर दिया। आप देख लो, क्लोज हो गया ना, ये इंटरसेक्शन होने के बाद क्लोज हो गया। तो सर वैसे ही अपने को व्हाइट बोर्ड भी दिख रहा है कि इसके ये ऊपर वाला लाइन, ये राइट, ये लेफ्ट और ये नीचे वाला लाइन, चारों मिलके क्या हुए, बोर्ड, है ना? बोर्ड दिख रहा है आपको, तो लाइन से क्या हुए, ये उसके बॉर्डर हो गए, उसे क्लोज्ड हो गए। अब जैसे ये क्लोज्ड हुए, मतलब क्लोज कौन कर रहा है, लाइंस कर रहे हैं यहाँ पे। सर लाइंस कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे भी लाइंस हो सकते हैं, ये मैंने ऐसे लिया, दिस वन, ये कुछ भी, एक रैंडम फिगर अपने पास, कुछ भी हो सकता है। या अपने पास ये पैराबोला लिया मैंने, ऐसा कुछ लिया, ये तो यहाँ पे एक रीजन तैयार हो रहा है इस टाइप का, ये देख लो, ये रीजन हो रहा है। इसका मतलब सर कि ग्रीन्स थ्योरम जो है ना, जब भी अपने पास लाइंस आपस में लाइन क्लोज होते हैं और लाइन के क्लोज होने से एक सरफेस क्रिएट होता है ना, एक रीजन तैयार होता है, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि क्लोज्ड लाइन से, या मैं थोड़ा सा वर्ड को सुधारू यहाँ पे, मैं बोलू एक क्लोज्ड कर्व से, लाइन भी हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एवरीथिंग, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हो गए, सर्कल हो गए, इन सभी कर्व से एक रीजन तैयार होता है क्लोज्ड होने से, और उस क्लोज्ड रीजन एक सरफेस क्रिएट कर रहा है, और उसी सरफेस इंटीग्रेशन अगर अपने को फाइंड करना होता है तो वी यूज ग्रीन्स थ्योरम। मतलब सर जहां पे क्लोज्ड कर्व हो और वो क्लोज्ड कर्व सरफेस बना रहे हो, तो वहां हम ग्रीन्स थ्योरम यूज करेंगे। क्या बोलते हो, समझे क्या आप लोग, क्या बोलते हो? नहीं, स्पीयर तो अपने पास थ्री वो हो जाएगा, 3D में हो जाएगा ना वो, तो नहीं, ठीक है? चलो, वंस मोर, जब आपके पास बहुत सारे लाइन हो,
ये मैंने पूरा बॉर्डर देखा इस रेक्टेंगल शेप का, मैं जो लिख रहा हूं वो मैं किस में लिख रहा हूं, एक स्क्वायर शेप में या एक रेक्टेंगल शेप के सरफेस में मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूं ना, जो आप लिख रहे हो, है ना, ऐसे ही कर रहे हो आप यहाँ पे। तो ये एक लाइन है ऊपर लाइन, ये यहाँ का लाइन ये है, सॉरी नीचे वाला लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ का ये, तो चारों बॉर्डर्स मिलके एक क्लोज्ड क्लोज हो गया ना, ये क्लोज्ड हो गया यहाँ पे, क्या बना रहे हैं, एक कर्व बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब जैसे आपको बोलूं मैं कि मेरे पास ये है, ठीक, ये हो गया मेरे पास दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये क्लोज हो गए, एक सरफेस बना रहे हैं, ये सरफेस आपको किस शेप में दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। अगर रेक्टेंगल शेप में ये दिख रहा है, इसका मतलब कि मैं एक बोल सकता हूं कि लाइन के क्लोज होने से एक सरफेस क्रिएट हो रहा है, एक रीजन तैयार हो रहा है, और उस केस में ग्रीन थ्योरम को इन्वॉल्व करूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। जैसे आप बोलते हो, जैसे आप बोलते हो कि मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है ना, तो सर्कल अगर आप देख रहे हो, है ना, तो यहाँ पे एक सर्कल के शेप में एक रीजन आपको दिख रहा है, सभी यहाँ पे लाइन जो है, जो कर्व है क्लोज्ड है ना, ये कर्व क्या है, क्लोज्ड हो गया पूरे, तो वो एक सरफेस क्रिएट करके दे रहा है, और जब भी क्लोज्ड कर्व से सरफेस क्रिएट होगा तो उस केस में हम ग्रीन थ्योरम यूज करेंगे। नहीं, ओनली स्ट्रेट लाइन से नहीं, मैंने आप सुन नहीं रहे क्या आप लोग, पैराबोला हाइपरबोला जो भी होगा, ये ऐसा भी दिख सकता है आपको, ये ऐसा भी दिख सकता है, जगह नहीं है यहां पे करता हूं, ये ऐसा भी दिख सकता है, ये मैंने चलो ये पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक है, और ये ठीक, ये देखो एक रीजन बन रहा है, एक क्लोज रीजन बन रहा है। सर एक क्लोज रीजन कैसे बन रहा है, एक पैराबोला से बन रहा है और ये एक वर्टिकल लाइन से बन रहा है, एक रीजन तैयार हो रहा है इस कर्व से, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स सर्कल कुछ भी हो, एक रीजन तैयार करना चाहिए और ये रीजन आपके पास एक सरफेस क्रिएट कर रहा है और इसी सरफेस में अपन अप्लाई करेंगे ग्रीन थ्योरम। अगर वो सरफेस क्रिएट करेगा तो ऑब्वियसली वो 2D में चला जाएगा ना, सरफेस में डबल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होते हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक। अरे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बताया हूं कि कहां पे ग्रीन थ्योरम यूज होता है, सरफेस का अपने पास इंटीग्रेशन निकालेंगे अपन, मैं वो बाद में बताऊंगा, अभी वो मत सोचो, वो क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा ना कल की डेट में तब बताऊंगा मैं, अभी बस ये देखो कि ग्रीन थ्योरम कहां पे लग रहा है, क्लोज्ड कर्व से सरफेस क्रिएट हो रहा है, बस अभी बस ये जानो आप, उसके बाद आगे की कहानी आपको पूछ क्या आप लोग सुन पा रहे हो, आवाज आ रही है, ठीक है, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया है ना, कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे, मेरे कैमरे का जो बैटरी वो एक्चुअली बंद हो गया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं हम लोग, ग्रीन थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे, जो आपके डाउट्स है ना एकदम बेहतरीन वे में क्लियर हो जाएंगे कल। सो बाय बाय क्लास, थैंक यू, गुड नाइट, ठीक।